अकेडमी रामला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने एग्रीकल्चर क्लास 12 में बायोलॉजी का लेसन नंबर फर्स्ट जिसका पार्ट 10 है पढ़ेंगे। तो अपने लास्ट वीडियो में संकरण के बारे में पढ़ा था, संकरण की क्रियाएं पढ़ी, फिर उसके बाद में संकरण की विधियां कौन कौन सी थी वो पढ़ा, और अपने एक विधि पढ़ चुके हैं वंशावली विधि। वंशावली विधि के बाद में सेकंड नंबर है पुंज विधि। तो पुंज विधि के बारे में आपने नोट करना है कि पुंज विधि क्या होती है। सबसे पहले इसे नीलसन एहल ने पुंज विधि के पर प्रयोग किया। तो पुंज विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, अलग अलग दो पादप लिए, जनक पादप जिन्हें बोलते हैं, उन पादपों में संकरण करवाते हैं। तो जो चुने गए प्लांट हो गए, कुछ बीज लिए अलग अलग दो, उनमें संकरण करवाया। तो प्रथम वर्ष में जनक पौधों में संकरण करवाने के बाद में जो नए बीज प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी कहते हैं। तो जनक पौधों के बाद में जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है उस पीढ़ी को द्वितीय वर्ष में उगाते हैं। तो उगाने के बाद में क्या करते हैं कि F1 पौधों को समुचित दूरी पर उगाकर सभी पौधों को पुंज में एकत्रित करते हैं। मतलब सभी पौधे उगाए, उनमें जो बीज प्राप्त हुए उन्हें पुंज में एकत्रित कर लिया जाता है। फिर ये जो F1 पीढ़ी के बीज हैं, इन्हें उगाने पर आगे तृतीय वर्ष में जो F2 पीढ़ी होगी, F2 पीढ़ी को भी इस तरह से पुंज के रूप में उगाया जाता है। उगाने के बाद में क्या करते हैं, जो पुंज समिष्टि है यानी समिष्टि जिसमें सारी फसल है उगाई जाती है, को व्यापारिक फसल की भांति उगाते हैं। और इसके बाद में कटाई और मड़ाई पुंज में करते हैं। मतलब कटाई करने के बाद में उनकी मड़ाई, मतलब बीज निकालना, तो इकट्ठा करके बीज निकाले जाते हैं जिससे मिश्रित बीज हो जाते हैं। तो ये तीसरे वर्ष में कौन सी, F2 पीढ़ी उगाते हैं। फिर जो F2 पीढ़ी के बीज प्राप्त हुए वो कौन से, F3 पीढ़ी के कहलाएंगे बीज, और वो चतुर्थ वर्ष में उगाए जाते हैं। जो चौथे वर्ष में F3 पीढ़ी के बीज उगाए जाते हैं उन्हें भी जो F2 क्रिया में अपने F2 पीढ़ी में जो क्रिया दर्शाई थी वही इसमें F3 पीढ़ी में करते हैं। यानी इसमें भी फसल को पुंज के रूप में उगाया जाता है, फिर उनकी कटाई भी पुंज रूप में करते हैं और उनकी मड़ाई भी पुंज रूप में करते हैं, और मिश्रित बीज जो एकत्रित किए जाते हैं उन्हें आगे पांचवे वर्ष में उगाते हैं। फिर इसके बाद में पांचवा वर्ष, उसमें कौन सी पीढ़ी, F4 पीढ़ी जो प्राप्त हुई थी उसमें भी कौन सी क्रिया करते हैं, F2 की क्रिया करते हैं। फिर छठे वर्ष में जो F5 पीढ़ी प्राप्त होती है उसमें भी बीजों को उगाते हैं समुचित दूरी पर और सारी F2 पीढ़ी की क्रियाएं करते हैं। फिर आगे सातवें वर्ष में F6 पीढ़ी जो प्राप्त होती है उन्हें भी पुंज के रूप में उगाते हैं और F2 की भांति क्रियाएं करते हैं। फिर इसके बाद में है आठवां वर्ष जिसमें F7 पीढ़ी प्राप्त होती है। अब जो F7 पीढ़ी प्राप्त हुई ये इसमें से कौन से बीज, जो 30 से 35 हजार पौधे समुचित दूरी पर उगाए गए उनमें से उन्नत लक्षण वाले कितने पौधे छांटते हैं, 500 से 5 हजार पौधों का चयन करते हैं और उनके बीजों को अलग अलग रखते हैं। मतलब जो आठवें वर्ष में 30 से 35 हजार पौधे लगाए उसमें से ऐसे बीज छांटेंगे जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हों और जिसके जो बीज हैं वो भी अच्छे से साफ हों, कीट रहित हो, रोग मुक्त हों। तो ऐसे बीजों को छांटेंगे और उन्हें उन बीजों को अलग अलग रखते हैं। फिर इसके बाद में अगले वर्ष में क्या करते हैं, अपने एक
नई पीढ़ी प्राप्त करते हैं, उन बीजों को एकल पादप संतियों के रूप में उगाया गया था और जो बीज प्राप्त हुए थे उनमें क्या करते हैं, प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। उगाने के बाद में प्रारंभिक उपज परीक्षण, तो प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं, पहले बता चुके हैं वंशावली विधि में कि उन्हें इस तरह से सिंगल बॉक्स के रूप में दर्शाएंगे जिसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक उपज परीक्षण, यानी उपज का परीक्षण किया जाता है, कितने परसेंट उपज हुई है, कितनी क्वालिटी की, उसमें क्या अच्छी विशेषता है, तो वो प्रारंभिक उपज परीक्षण कहलाता है। जो फिर इसके बाद में किस्म प्राप्त होती है उसको मानक के रूप में लगाते हैं, यानी उन्हें वितरित करने के लिए तैयार किया जाता है। फिर आगे जो F10 से लेकर F12 यानी 10वीं 11वीं बाद में ये पीढ़ियां हैं, ये कितने 11 से 13 वर्ष बाद में प्राप्त होती हैं, 11 12 और 13वें वर्ष में F10 F11 और F12 पीढ़ी प्राप्त होगी। इसमें क्या करते हैं, जो उत्कृष्ट होते हैं, सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी के जो बीज होते हैं, उन संतियों का समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है, यानी इन तीनों वर्ष में जो पीढ़ियां प्राप्त होती है उनको इकट्ठा करके उनका उपज परीक्षण करते हैं। इस तरह से समन्वित उपज परीक्षण को तीन तीन बॉक्स के रूप में दर्शाना अपने को। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, जो समन्वित उपज परीक्षण किया उसमें से जो उत्कृष्ट संति है उन उत्कृष्ट संतियों को अलग करके मानक के रूप में विमोचित किया जाता है, मतलब अलग अलग रखा जाता है, वितरित करने के लिए तैयार किया जाता है। इस तरह से जो 13वें वर्ष में कितनी पीढ़ी प्राप्त होगी, F12 पीढ़ी, 12वीं पीढ़ी प्राप्त हुई। अब इसके बाद में जो आगे नई पीढ़ी प्राप्त कैसे होती है, वो कौन सी, F13वीं यानी 13वीं पीढ़ी कौन से वर्ष में प्राप्त होगी, 14वें वर्ष में प्राप्त होगी। इसके बाद में 14वें वर्ष में जो लास्ट पीढ़ी प्राप्त होगी उसे अपने पुंज के रूप में ऐसे उगाएंगे और जो अच्छी किस्म प्राप्त होती है उसे विमोचित किया जाता है और उन बीजों का गुणन और वितरण किया जाता है। तो जो पुंज विधि है इसमें कितने वर्ष, 14 वर्ष लगते हैं और लास्ट में जो पीढ़ी प्राप्त होती है वह अच्छी किस्म के बीज प्राप्त होते हैं। तो ये पुंज विधि कंप्लीट होती है। इसके बाद में नई पीढ़ी अपने पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रतीक संकरण विधि। तो प्रतीक संकरण विधि की परिभाषा देखेंगे, तो किसे कहते हैं प्रतीक संकरण विधि, इस विधि में जो F1 पीढ़ी होती है तथा उसके बाद की पीढ़ी होती है उन पीढ़ियों का संबंधित F1 के एक जनक से प्रतीक संकरण किया जाता है, यानी पहले जो F1 पीढ़ी में बीज या पौधे प्राप्त होते हैं उन पौधों में से एक को जनक के रूप में लेते हैं और उन जनक को बाद वाली पीढ़ियों से प्रतीक रूप में संकरण करवाया जाता है, यानी तिरछा संकरण करवाया जाता है। F1 पीढ़ी का आगे वाली पीढ़ियों से तिरछा संकरण, फिर F2 का आगे F3 पीढ़ी के साथ में संकरण, तो इस कारण इसका नाम प्रतीक संकरण विधि कहते हैं इसे। फिर आगे प्रतीक संकरण के लिए जो उपयोग में जनक लिए जाते हैं तो उन जनकों को क्या कहा जाता है, आवर्ती जनक कहते हैं, यानी आवर्ती जनक जो प्रतीक संकरण विधि में संकरण करवाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं बीज या पौधे उन्हें आवर्ती जनक कहते हैं, और जो दूसरा जनक होता है उसे क्या कहते हैं, अनावर्ती जनक कहते हैं। तो जिसका प्रतीक संकरण करवाते हैं वह आवर्ती जनक और जिससे करवाते हैं संकरण वह कौन सा, अनावर्ती जनक कहलाता है। तो आज अपने इस प्रतीक संकरण विधि की परिभाषा इसमें पढ़ेंगे और आवर्ती वह अनावर्ती जनक के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने जो प्रतीक संकरण विधि है उसमें कितने वर्ष लगते हैं, किस प्रकार के बीज प्राप्त होते हैं, क्या क्या क्रियाएं होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज जितना पढ़ा है इसमें